सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का वो पार्ट जिसके अंदर हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म क्या होता है। इससे पहले हमने ये देख लिया है कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रेक्शन जो होता है वो क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम एक प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट को इंसर्ट करते हैं तो वो व्हाइट लाइट कैसे डिफरेंट 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, तो उसी के बारे में ये सारी बातें यहाँ पर होने वाली है। और साथ साथ ये भी देखे चलेंगे कि एनसीईआरटी हमें क्या क्या बता रहा है, क्या क्या डाउट्स आए थे, क्या क्या जो कहते हैं ना कि चीजें वहां जहाँ पर क्वेश्चन उठे थे उसका किस तरीके से किस साइंटिस्ट ने क्या जवाब दिया, काफी सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर यह दिया हुआ है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट असल में होता क्या है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे कि रेनबो आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से आपको वो अच्छा सा एक इफेक्ट दिखता है ना, तो वही सेम चीज यहाँ पर रहने वाली है कि डिस्पर्जन का मतलब होता है कि जब एक व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाए। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं स्प्लिट करने की तो वहां पर हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो जिसके थ्रू हम ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारा मीडियम क्या है, प्रिज्म है। तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो है या डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वो हम विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू अ कंपोनेंट कलर्स, यानी कि जब हम कलर्स के अंदर किसी व्हाइट लाइट को या लाइट को स्प्लिट कर देते हैं इज नोन एज डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि जब एक लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। द पैटर्न ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और ये जो हमें पैटर्न मिलता है अलग अलग कलर्स का जो मैं भी आगे जाके आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, चलो अभी देख लेते हैं। तो जब एक व्हाइट इसके अंदर इंसर्ट होती है तो ये अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलता है, तो इस पूरे पैटर्न को पूरे बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं और ये अलग अलग कलर्स में व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, ओके। द वर्ड स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन मच मोर जनरल सेंस, वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ओवर द लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, ऑफ विच द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यानी दैट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम इज ओनली अ स्मॉल पार्ट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा है कि ये स्पेक्ट्रम वर्ड हमने और कहाँ यूज किया था। तो आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था तो हमने वहां पर देखा था कि जब कोई लाइट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो उसमें डिफरेंट 7 रेज होती है ना, गामा से लेके रेडियो वेव तक होती है, जिसमें 4th नंबर पर हमारी विजिबल होती है, तो उसको भी हम वहां पर स्पेक्ट्रम कहते थे। बट अभी हमारा जो मेन फोकस है वो इस विजिबल रे पे है, क्योंकि मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि इसी विजिबल रे में डिफरेंट 7 कलर्स होते हैं जिसको हम विवग्योर कहते हैं ना, वॉयलेट से लेके रेड तक कुछ कलर्स होते हैं। तो अभी हम उस पर्टिकुलर बैंड की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हम यहाँ पर पूरे स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, नहीं। तो यही चीज आपको यहाँ बता रहा है कि वर्ड स्पेक्ट्रम हमने पहले ही यूज कर चुके हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, जहां पर हमने देखा था कि एक वेवलेंथ की रेंज के हिसाब से हम डिफरेंट रेज को कहते हैं ना डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें हमारा गामा से लेके रेडियो तक अलग अलग 7 रेज होती हैं, ऑफ विच द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विजिबल, जिसमें एक विजिबल हमारी रे होती है, तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है उसके अंदर, तो उस पर्टिकुलर बैंड के अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर वो बहुत एक छोटा पार्ट है, तो हम उसी के यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो उसको हम यहाँ पर अभी स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इस विजिबल स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो इसमें 7 कलर्स आते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि हम एक प्रिज्म की हेल्प ले रहे हैं और एक व्हाइट लाइट दैट मीन्स द विजिबल लाइट जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक स्मॉल पार्ट होता है उसका यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, जिसमें अलग अलग और रेज वेवलेंथ के हिसाब से डाइवर्स हो जाती है। ठीक है, अभी मैं इस पे वापस आता हूँ। थ्रू द रीजन ऑफ अपीयरेंस ऑफ स्पेक्ट्रम इज नाउ कॉमन नॉलेज, इट वॉज अ मैटर ऑफ मच डिबेट इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, यानी कि इसके बारे में हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में कई ज्यादा डिबेट हुए हैं बिकॉज ऑफ द दिस पर्टिकुलर टर्म, यानी कि स्पेक्ट्रम इज अ वेरी कॉमन नॉलेज। ठीक है, अब वो क्या है, डज द प्रिज्म इटसेल्फ क्रिएट कलर इन सम वेज और डज इट ओनली सेपरेट द कलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ लाइट। अब जैसे स्पेक्ट्रम की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिबेट कैसे हुआ कि जब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है तो उसमें ऑलरेडी वो स्पेक्ट्रम होता है तो वो ऑलरेडी वो स्पेक्ट्रम है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑलरेडी वो स्प्लिटिंग है, अलग अलग जो रेज हैं वो अपने अपने पर्टिकुलर ग्रुप में बैठी हैं, तो उसमें तो कोई अलग स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट यहाँ पर आपने देखा है कि हमें
उसको स्प्लिट करना पड़ता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रिज्म। तो डाउट यहाँ पर यह आई कि अगर एक विजिबल लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, जैसा कि आप जानते हैं कलर कौन से होते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, है ना, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बता चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो विबग्योर कलर्स में आप देख सकते हैं ये वॉयलेट है, इंडिको है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो ये 7 कलर्स में ये जो व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, तो उसको हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फर्क क्या है, वो स्पेक्ट्रम ऑलरेडी प्रेजेंट है, यू डोंट नीड टू स्प्लिट इट, हमें उसको स्प्लिट करना नहीं पड़ता। बट यहाँ पर एक व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है इन 7 कलर्स के अंदर, तो यहाँ पर हमें किसी की हेल्प लग रही है, और वो हेल्प यहाँ पर कौन कर रहा है, प्रिज्म कर रहा है, क्योंकि वो एक है ना रिफ्रैक्टिव, उसका कुछ इंडेक्स है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर डाउट ये आई, डिबेट ये हुआ कि क्या ये कलर्स इस व्हाइट लाइट से ही डिवाइड हो रहे हैं या फिर ये प्रिज्म हमें करके दे रहा है। देखो डाउट्स तो आएंगे ना, आज मैं एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास कराता हूँ और वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, तो मेरे माइंड में दो थॉट्स आएंगे। पहला थॉट से आ रहा है कि ये व्हाइट लाइट जो है ये 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, एक तो ग्रुप वो हो गया। दूसरा ग्रुप ये भी तो सोच सकता है कि क्या ये जो कलर्स मुझे दिख रहे हैं क्या इसका लेना देना इस व्हाइट लाइट से है या फिर ये प्रिज्म की वजह से हो रहा है, यानी कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये स्प्लिटिंग नहीं होती, वो तो चलो मैं मान गया, बट क्या पता ये कलर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है ये प्रिज्म कर रहा है, ये भी हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो हो सकता है ये जो कलर्स है ये प्रिज्म के थ्रू आ रहे हैं, तो ये भी एक डाउट आई। तो दो यहाँ पर डिबेट होने स्टार्ट हो गए कि डज द प्रिज्म इटसेल्फ क्रिएट कलर्स इन सम वे और डज इट ओनली सेपरेट द कलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट। तो क्या ये जो कलर है ये प्रिज्म खुद बना रहा है, एक तो ये लोग थे और एक जो लोग कह रहे थे कि नहीं व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है। तो इन द क्लासिक एक्सपेरिमेंट नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी बट ग्रेट सिग्निफिकेंस आइज़ैक न्यूटन, तो आइज़ैक न्यूटन जी वहां पर आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं रुको, मैं अभी इसकी सारी क्लैरिटी करता हूँ। वो अपने टाइम के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, तो उनके पास कहते हैं ना बहुत ही सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट से वो बड़ी बड़ी चीजें प्रूफ कर देते थे, ठीक है। तो उन्होंने भी यहाँ पर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, उन्होंने अगर बोला कि अगर तुम जो ग्रुप ये कह रहा था कि यार ये जो कलर्स है क्या पता प्रिज्म बना रहा हो, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर मैं एक लाइट को प्रिज्म से पास कराऊंगा तो उसमें से ये हमेशा कलर्स निकलने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म रख दिया, तो जब उन्होंने व्हाइट लाइट एक में से पास कराई तो जो दूसरे में से व्हाइट लाइट जो बाहर निकली, मतलब जो लाइट निकली, अब उसमें कहीं पर भी स्प्लिटिंग नहीं थी, वो अगेन व्हाइट लाइट बाहर निकली। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ये हुआ कि आइज़ैक न्यूटन ने ये प्रूव कर दिया कि अगर ऐसा होता कि प्रिज्म में से लाइट जाएगी और कलर जो है वो प्रिज्म बना रहा है तो यहाँ पर भी बनाना चाहिए था, बट अगेन ये व्हाइट लाइट में कैसे आ गया, बिकॉज यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है। तो कुछ इस तरीके का अगर मैं यहाँ पर सेटअप की बात करूँ, मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ, कुछ इस तरीके का वो सेटअप था। तो जब एक व्हाइट लाइट को उन्होंने इस पे स्प्लिट किया तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, फिर वो वापस 7 कलर जब इस प्रिज्म के अंदर गए तो अगेन व्हाइट लाइट के अंदर बन गया, तो व्हाइट लाइट से अगेन व्हाइट लाइट आपको मिल गई और ये दो प्रिज्म की हेल्प से हुआ। तो ये पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट था वो आइज़ैक न्यूटन ने किया और वहां से ये प्रूव कर दिया कि नहीं, यहाँ पर ये कलर जो है ये प्रिज्म नहीं बना रहा है, यहाँ पर ये जो कलर्स है ये व्हाइट लाइट से स्प्लिट हो रहे हैं ड्यू टू द हेल्प विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म की हेल्प लग रही है बट कलर्स यहाँ पर प्रिज्म नहीं बना रहा है, तो इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ही पुट अनदर सिमिलर प्रिज्म, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही एनसीईआरटी में समझा रहे हैं, उसने क्या किया, ही पुट अनदर सिमिलर प्रिज्म बट इन अ इन्वर्टेड पोजिशन, बट उल्टी पोजिशन में रखा। अगर पहला प्रिज्म ऐसा था तो दूसरा प्रिज्म उन्होंने कुछ इस तरीके से रखा, इन्वर्टेड रखा, एंड लेट द इमरजेंट बीम फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म फॉल ऑन द सेकंड प्रिज्म। तो यहाँ से जो भी प्रिज्म की आई, जो 7 कलर्स है वो सारे इसमें गए, फिर अगेन द रिजल्टिंग इमरजेंट बीम वॉज फाउंड टू बी व्हाइट लाइट, द एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर दैट द फर्स्ट प्रिज्म स्प्लिट द व्हाइट लाइट इंटू द कंपोनेंट कलर्स, यानी कि पहली व्हाइट लाइट ने 7 कलर में उसको क्या कहते हैं स्प्लिट किया, वाइल द इन्वर्टेड प्रिज्म, और जो जो इन्वर्टेड प्रिज्म है उसने वापस उनको रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट में बना दिया। थस व्हाइट लाइट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स विच आर द सेपरेटेड बाय द प्रिज्म। तो यहां से जो डिबेट चल रहा था उसका एंड हुआ और बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से आइज़ैक न्यूटन ने प्रूव कर दिया कि ये जो कलर्स है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रिज्म, इट्स बेसिकली अ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की जरूरत है बट कलर्स यहाँ पर प्रिज्म नहीं बना रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, इट मस्ट बी अंडरस्टूड हियर दैट अ रे ऑफ लाइट एज डिफाइंड एज मैथमेटिकली डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्चुअल रे इज रियली अ बीम ऑफ मेनी रेज ऑफ लाइट। तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता भी है कि एक
रे तो कुछ होती नहीं, इट्स ऑलवेज अ बीम, तो बीम में ये लाइट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। ईच रे स्प्लिट्स इनटू कंपोनेंट कलर्स व्हेन इट एंटर्स द ग्लास प्रिज्म। अब होता क्या है कि जब एक प्रिज्म में से लाइट जाती है तो ऑब्वियसली एक रे नहीं जाती, पूरी बीम जाती है, और उस बीम के अंदर मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 10 रेज हैं, तो वो 10 की 10 रे यहाँ पर स्प्लिट होती है। ऐसा नहीं है कि पूरी बीम स्प्लिट होगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार ये जो कलर स्प्लिट हो रहे हैं ये बीम से होते हैं कि रे से होते हैं। वैसे तो कोई एक रे नहीं होती, बहुत सारी रेज होती हैं, तो हर एक रे जो होती है वो स्प्लिट होती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन दोज कलर्स रेज कम आउट ऑन द अदर साइड दे अगेन प्रोड्यूस द व्हाइट बीम, और जब वो वापस सारे कलर्स एक दूसरे से मिल जाते हैं तो अगेन वो व्हाइट लाइट बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हाइट लाइट जो होती है वो विब ग्योर के अंदर, ठीक है, विब ग्योर के अंदर स्प्लिट होती है, और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि वापस जब आप सारे कलर्स को मिलाओगे सो यू विल गेट अ व्हाइट कलर, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझाई गई है, जो कि मैंने अभी आपको इस पर्टिकुलर चीज से भी समझा दिया, ठीक है। अब वी नाउ नो दैट द कलर इज एसोसिएट विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब बात आती है कि सर ये कलर्स क्या है। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बताया था कि कलर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट द वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी कि जो वेव्स है उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से वो डिफरेंशिएट होती हैं। तो यहाँ पर कलर्स का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। अगर मैं कहता हूँ कि व्हाइट लाइन यहाँ पर 7 कलर्स में डिफरेंशिएट हो रही है, स्प्लिट हो रही है, तो बेसिकली उन सब की वेवलेंथ अलग अलग है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि समझ लो अगर आप एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करते हैं और वो 7 कलर्स के अंदर समझ लो यहाँ स्प्लिट हो रही है, तो वो 7 डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर ये कह, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम रेड लाइट इज एट द लॉन्ग वेवलेंथ। याद करो मैंने आपको बताया था कि जब हम वेवग्योर लिखते हैं, और ये चीज आपको आनी चाहिए और कभी भूलना मत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर हम इस वे में चलें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का और सबसे कम होता है वी का। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है बट फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होती है, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो दूर तक ट्रेवल करता है, इसीलिए रेड लाइट जो होता है वो डेंजर का साइन बनता है, क्योंकि उसको हम दूर से देख लेते हैं। इसके काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, जब हम स्कैटरिंग पढ़ेंगे, स्कैटरिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो होता क्या है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कौन सा कलर है, रेड है। अब बात यहाँ पर समझनी है कि विजिबल स्पेक्ट्रम में बेसिकली ये वेवलेंथ की वजह से सेपरेट हुए हैं, सबकी वेवलेंथ सेम नहीं है। तो मैंने आपको जो बोला ना, जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अलग अलग होने से स्पेक्ट्रम बनता है। तो सेम इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑल्सो, उसके अंदर कलर्स भी डिफरेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ध्यान रखना सबसे ज्यादा होती है आर की, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसकी होती है, हमारे वॉयलेट की होती है। तो जो रेड की होती है वो अप्रॉक्स होती है 700 नैनोमीटर, वैसे तो बहुत छोटी होती है बट कंपैरिजन में देखें अगर तो सबसे ज्यादा रेड की होती है। तो समवेयर अराउंड 700 नैनोमीटर होती है रेड की, और वॉयलेट की होती है 400 नैनोमीटर, और बाकियों की इन सबके मिडल में ही सारी वेवलेंथ होती है। अब मैं आपको वेवलेंथ क्यों बता रहा हूँ, आगे जाके मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। द डिस्पर्जन टेक प्लेस बिकॉज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ इज डिफरेंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझना है कि डिस्पर्जन यहां पर अलग अलग कलर का क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। अब सुनना, यहां पर आपको पता है कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, सभी को याद है ना, मैंने बताया था जब स्नेल्स लॉ पढ़ाया था कि रिफ्रैक्शन के टाइम आपका वेवलेंथ का रिलेशन एन के साथ, यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ कैसा होता है, इन्वर्सली, यानी कि जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम। तो अगर रेड कलर बोलूंगा, रेड कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मिनिमम होता है और वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है। सो डिस्पर्जन टेक प्लेस बिकॉज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। तो हर कलर का, यानी कि हर वेवलेंथ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसकी वजह से जो लाइट होती है वो स्प्लिट होती है, इसकी वजह से डिस्पर्जन होता है। आज अगर एक ही वेवलेंथ की लाइट होती ना तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, उस व्हाइट लाइट के अंदर अलग अलग वेवलेंथ थी तो उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की अलग अलग होने की वजह से स्प्लिट हुआ। देखो एक बात समझना, अभी व्हाइट लाइट जा रही है स्प्लिट नहीं होगी, स्प्लिट करने के लिए जब वो किसी मीडियम में जाएगी उस मीडियम के अंदर उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, उसकी वजह से वो स्प्लिट होती है। अब थोड़ा सा आपको आइडिया मिल रहा होगा कि व्हाइट लाइट प्रिज्म की वजह से स्प्लिट कैसे होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बेंडिंग ऑफ रेड कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट व्हाइल इट्स द मोस्ट फॉर द वॉयलेट। अब यहां पर आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए।
वो ये है कि जब हम स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट देखते हैं थ्रू प्रिज्म, मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है और यहाँ से मेरी एक व्हाइट लाइट जो है इसके अंदर ट्रेवल कर रही है और ये व्हाइट लाइट यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट होगी। ठीक है, एक बार बना लेता हूँ। तो ये तीन, एक दो तीन चार पांच छ और एक बना लेते हैं सात। अभी मैंने एक रैंडमली बनाया है तो आप देख सकते हैं ये रेड है और नीचे वॉयलेट है। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, सबसे ऊपर आता है रेड कलर और नीचे आता है वॉयलेट कलर। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्ट हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेविएशन एंगल कौन सा होता है, ओरिजिनल पाथ से कोई कलर कितना डाइवर्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर डेविएशन जो होता है वो वी का होता है एज कम्पेयर टू आर। तो ये क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि जिसका एन कम उसका डेविएशन भी कम, क्योंकि हम जानते हैं कि रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू वॉयलेट। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम, तो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम उसका डेविएशन उतना ही कम। तो जितना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा आपका डेविएशन होगा। सिंपल सी चीज है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ज्यादा रिफ्रेक्शन होगा, ज्यादा रिफ्रेक्शन होगा तो लाइट ज्यादा बेंड करेगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो ये आप जरूर सीक्वेंस को याद रखना, वेबगे और नीचे से स्टार्ट होता है, सबसे ऊपर रेड आता है, सबसे नीचे वॉयलेट आता है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन जो होता है वो वॉयलेट का होता है और सबसे कम किसका होता है, रेड का होता है। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बेंडिंग ऑफ द रेड कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट वाइल द मोस्ट फॉर द वॉयलेट, कि वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा इसके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक टेबल मिलेगा, टेबल 9.2, जिसके अंदर आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के। जैसा कि यहाँ पर कुछ कलर्स के बारे में बात करी है, सारे कलर्स की बात नहीं करी है, वॉयलेट, ब्लू, येलो और रेड। आप रेड पे देखिए, रेड की वेवलेंथ लगभग 700 नैनोमीटर होती है और वॉयलेट की लगभग 400 नैनोमीटर होती है। बट अगर आप उसको क्राउन ग्लास के प्रिज्म से पास कराएंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, फ्लिंट से कराएंगे तो अलग होगा। बट अभी आप बस ये देखिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता बट अंतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है और वॉयलेट का सबसे ज्यादा है। यहां पर भी सबसे कम है, यहां भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बली प्रिज्म का मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेड का कहीं नंबर चेंज हो जाएगा, नहीं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा मिनिमम रेड का ही रहेगा। बट अगेन बहुत ज्यादा कोई बड़ा गैप नहीं होता, बहुत ही देखिए ना पॉइंट्स में गैप है, ये 63 है, ये 22 है, अदरवाइज 1.6 में करोगे तो सेम ही लगेंगे, है ना। तो काफी छोटा गैप होता है और इसी गैप की वजह से, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के चेंज की वजह से ही लाइट स्प्लिट होती है। तो ये चीज आपको समझनी है, तो ये आपको टेबल एनसीईआरटी के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ मे बी मोर प्रोनाउंस्ड इन सम मीडिया देन अदर। तो अगर आप कोई और मीडियम में जाएंगे तो हो सकता है वहां पर आपको अलग तरीके से बेंडिंग और देखने को मिले। अभी हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं। इन वैक्यूम ऑफकोर्स द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। अब होता क्या है कि जब हमारी लाइट वैक्यूम में चल रही है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट तब होती है जब रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम चेंज होता है, तो वैक्यूम के अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलता है। तो दैट इज वेरी सिंपल, थस वैक्यूम और एयर अप्रोक्सीमेटली इज अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। वही चीज आपको समझा रहा हूँ कि वैक्यूम और एयर के अंदर स्प्लिटिंग क्यों नहीं होती। रेनबो जब बनता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एयर, इट्स बिकॉज ऑफ द वॉटर ड्रॉपलेट, तो पानी की वजह से वो होता है। तो वॉटर वहां पर रिफ्रेक्शन करवाता है, वहां डिस्पर्जन करवाता है, तो डिस्पर्जन के लिए मीडियम चाहिए जिसकी डेंसिटी हो, है ना। तो एयर और वैक्यूम में नियरली आपको कोई डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं दिखता, रीजन बींग यहाँ पर लाइट की स्पीड सेम रहती है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेगा, और अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा तो डिस्पर्जन भी आपको नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट द सनलाइट रीचेज अस इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट। इसका एक ये एग्जाम्पल है कि जो सन से हमें लाइट अर्थ पे मिलती है वो व्हाइट लाइट मिलती है, तो वहां कोई डिस्पर्जन नहीं होता बिकॉज बीच में वैक्यूम है। सन से अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। तो वहां पर आपका सबसे बड़ा यही एग्जाम्पल है, एंड नॉट एज इट्स कंपोनेंट। तो आपको कोई भी कंपोनेंट यानी कि कलर्स नहीं दिखते हैं जब लाइट आपकी सन से अर्थ तक आती है, बिकॉज उसके अंदर वैक्यूम होता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ग्लास इज अ डिस्पर्सिव मीडियम। बट ग्लास कैसा एक डिस्पर्सिव मीडियम है, जैसा कि प्रिज्म मैंने आपको बताया, जहां पर आपकी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ग्लास इज अ डिस्पर्सिव मीडियम, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट में थ्रू द प्रिज्म, हमें इसमें इतना ही पढ़ना है जो हमें एनसीईआरटी में दिया था, वो हमने एक एक लाइन अच्छे से समझ लिया। इसमें कोई एज सच कोई न्यूमेरिकल या फिर मैथमेटिकल चीजें नहीं है, बट अगेन कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं। यहाँ कुछ
रीजनिंग हुई है, जैसे कि डाउट्स किस कितने आए थे, डिबेट्स किस चीज पे चल रहे थे, प्रिज्म के थ्रू ही डिस्पर्जन क्यों होता है, किसी और मीडियम के अंदर क्यों नहीं होता है, ग्लास ही क्यों करवाता है, हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सारा रोल यहाँ पर प्ले करता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग लाइट्स हमें कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर आपकी कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप वो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर जितना हो सके करिए, ताकि आप इतना कुछ करेंगे तो मोटिवेशन तो मिलना ही मिलना है और हम और भी अच्छी वीडियोज आपके सामने लेके आते रहेंगे। ठीक है, तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।